हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो राजस्थान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान पटवारी भर्ती 2019 को लेकर महत्वपूर्ण सूचना लेकर आया हूँ, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही में इसके अंदर जो नया बदलाव हुआ है और इसके अंदर पदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। तो हम देखते हैं जो ऑफिशियल प्रूफ के साथ जो जानकारी आ रखी है, तो आप सभी देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का ऑफिशियल फेसबुक और ट्विटर अकाउंट के ऊपर ये जो पोस्ट जारी हो रखी है, जो ट्वीट भी कर रखा है। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं युवाओं के लिए रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध हो सकेंगे, इसके लिए पटवारी के 3,951, ठीक है, पहले आपके 3,800 पदों पर भर्ती होनी थी, लेकिन जो उसको बढ़ाकर आपके 3,951 कर दिए गए हैं। तो यही बदलाव इसके अंदर हुआ है। तो आप इस न्यूज़ को देख सकते हैं, 3,951 पदों पर आपका जो भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द ही आएगा, और कब तक आएगा वो भी आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो टोटल आपकी वैकेंसी आएगी 3,951 पदों के लिए। तो आप देख सकते हैं राज्य सरकार है तत्पर युवाओं को मिले रोजगार के अवसर, पटवारी के 3,951 पदों की भर्ती को प्रस्ताव। तो ये तो फेसबुक पेज की न्यूज़ है, और यही सेम न्यूज़ जो आपको ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का, उसके ऊपर भी ट्वीट कर रखा है, ठीक है। तो इसमें भी वही सेम न्यूज़ बता रखी है जो आप देख सकते हैं। तो आपकी जो टोटल वैकेंसी है 3,951 पदों पर आएगी, यही इसके अंदर बदलाव हुआ है, जो पदों की संख्या बढ़ गई है, और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन ही रहने वाली है, ठीक है। उसके ऊपर जो एक साल पहले ही जो नोटिफिकेशन आ चुका था कि जो पटवारी के अंदर योग्यता आपकी स्नातक ही रहेगी, जो भी BA, BTech, BCom कुछ भी आपने स्नातक कर रखी है, तो आप पटवारी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड साथ ही में आपके पास जो कंप्यूटर की दक्षता भी होनी चाहिए, जैसे RSCIT हो गया, कोपा हो गया, BCA, अदर जो भी कंप्यूटर कोर्स हैं, ठीक है, तो वो आपके पास होना चाहिए। तो ये जानकारी आपको देनी थी। और आप में से कुछ दोस्त बोलते हैं कि जो पटवारी के ऊपर बार बार वीडियो क्यों बनाता है, और कुछ दोस्त बोलते हैं कि जो पटवारी की कोई न्यूज़ है क्या। तो जिन दोस्तों को न्यूज़ चाहती है उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो बनाता हूँ कि कब तक आपकी भर्ती आएगी। तो दोस्तों, जो चुनाव हो चुका है, जो निकाय चुनाव थे नगर पालिका नगर परिषद के, तो उनके इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और आचार संहिता हट चुकी है। तो इसी नवंबर के लास्ट तक या फिर दिसंबर के अंदर आपकी वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। और आप अदर गवर्नमेंट जॉब इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी वेबसाइट www.technoRajasthan.in पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।